नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा के गांव धोतड़ में आगजनी की बड़ी घटना। ये घटना कल शाम की बताई जा रही है और मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। लगभग 50 से 60 भेड़ों के जलने की आशंका और इसी के साथ में लगे एक छोटे बाड़े में बंधे थे भेड़ों के बच्चों, जिनको ग्रामीणों ने बचा लिया। आग लगने का अभी कारणों का पता नहीं चल पाया है। वही आग से दो परिवारों का आर्थिक नुकसान हुआ है। भेड़ों को चराकर करता था परिवार गुजारा। गांववासियों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। आप देख रहे हैं सिरसा पल पल से अमर सिंह जैनी की विशेष रिपोर्ट। जी हाँ, सिरसा जिला के धोतड़ गांव में अज्ञात कारणों के चलते भेड़ों के बाड़े में आग लग गई। बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 50 भेड़ें और भेड़ों के बच्चे जिंदा जल गए। यह घटना कल देर शाम की बताई जा रही है। गर्मी के मौसम के कारण सभी भेड़ों को कंटीली झाड़ियों से बने एक बाड़े में रखा गया था। इस बाड़े में तीन अलग अलग भेड़ पालकों की अपनी भेड़ों को रखा हुआ था। घटना के समय सभी भेड़ पालक अपने अपने घर गए हुए थे, जिसके बाद पीछे से यह घटना घट चुकी। बाड़े में आग लगने बाद आसपास में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आज सुबह डॉक्टरों की टीम ने मौके पर पहुँच करके नुकसान का जायजा लिया। वहीं ग्रामीणों ने सरपंच ने पीड़ित परिवार को मुआवजे देने की मांग की है। आप देख रहे हैं पल पल सिरसा से ये विशेष रिपोर्ट। मेरे गांव धोतड़ में किसी अज्ञात कारणों से बेड़ों के बाड़े में आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी जिसमें 60 से 70 बेड़े और उनके बच्चे जलकर राख हो गए। गांव वालों और गौशाला कमेटी की तरफ से पूरी मदद की गई, भागकर सैकड़ों बेड़ों को बचाया गया और फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। मैंने अपने 40 साल के जीवन में इतनी भयंकर आगजनी नहीं देखी। मैं हरियाणा सरकार और प्रशासन से, ग्राम पंचायत धोतड़ और मेरी तरफ से और गांव की तरफ से ये मांग करता हूं कि इन गरीबों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए ताकि ये अपनी रोजी रोटी पुनः चला सके। और इतना भयंकर नुकसान हुआ है, ऐसा है उसकी रिपोर्ट पहली है जो भी नुकसान हुआ उसका पूरी रिपोर्ट मंगा के और प्रशासन को भेज देंगे और जो सहायता होगी प्रशासन करेंगे।